हेलो एवरीवन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में कौन कौन सी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आइए देखते हैं। लगातार जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो लगातार न्यूज़ में है और फ्रंट पेज पे लगातार इसको कवर करा जा रहा है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का नया स्टेटमेंट आया है कि आप कोर्ट्स की जो स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ जजेस हैं, उनको डबल भी कर दोगे तो भी जो केसेस की जो पेंडेंसी जो रेशियो है वो कम नहीं होगा। इसके अलग अलग व्यू दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि लॉयर्स की जो एफिशिएंसी इतनी नहीं है, हमारे यहाँ जो केस रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है वो इतना प्रॉपर नहीं है कि केसेस की पेंडेंसी जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डबल कर देने या बढ़ाने के बावजूद कम हो जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनका ऐसा कहना है। दरअसल अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, ये तो डिफाइन करा हुआ है और उसे टाइम टू टाइम इसको रिन्यू भी करा जाता है, टाइम टू टाइम इसको बढ़ाया भी गया है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब सुप्रीम कोर्ट में टोटल एट जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अभी 8 की बात करें तो आज जो है 34 जजेस की एक स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में। जबकि हाई कोर्ट्स की बात करें तो नो डाउट ऑब्वियसली आप भी जानते हो कि हर हाई कोर्ट की जो फंक्शनिंग है वो अलग अलग है, हर हाई कोर्ट पे जो काम का जो लोड है वो अलग अलग है, यानी जो नंबर ऑफ जजेस होंगे वो भी अलग अलग होंगे। लेकिन क्या इसमें कोई सीलिंग है, मतलब कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, ऐसा कुछ फिक्स है? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ जजेस रखने हैं। यदि वो देखते हैं कि काम ज़्यादा है, काम का लोड ज़्यादा है, तो वो नंबर ऑफ जजेस किसी भी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी इसमें प्रेसिडेंट को टोटली ऑटोनॉमी है। प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर जो कि काम करते हैं, उन्हें टोटली ऑटोनॉमी है कि वो किस तरीके से इंडिविजुअली डिसीजन ले सकते हैं कि नंबर ऑफ जजेस हाई कोर्ट में बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने होंगे ये जो काम है वो हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट में इसमें टाइम टू टाइम यदि इसको बढ़ाना हो या कम करना हो तो इसमें बिल लाया जाता है। हालांकि इतना भी ध्यान रखना जरूरी है कि नंबर ऑफ जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो यदि चेंज होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता है, इसमें केवल जनरल अमेंडमेंट होता है। ये पूरी बातें थी आपके नंबर ऑफ स्ट्रेंथ की। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के में जो जज है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स है, वो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इसे रिन्यू कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जबकि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, हाई कोर्ट में मैक्सिमम मिनिमम कितने जज होंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर लेंगे कि कितने जजेस की रिक्वायरमेंट है। ये पूरी बात हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के स्ट्रेंथ के बारे में देखी। आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। स्टेट्स पेज पे देखें तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो है आपकी सीधे आपके प्रेसिडेंट जो है वो हरियाणा की विजिट पे हैं और हरियाणा में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है, वो है आपका इंटरनेशनल गीता महोत्सव। आपसे पूछ देगा कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, पहला हरियाणा में। और हरियाणा में भी आपसे और डीपली पूछे कि हरियाणा में भी कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये आपके कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपके जो गीता या महाभारत इससे जुड़ता है, तो यहीं पर ऑर्गेनाइज करा है। क्योंकि प्रेसिडेंट गए हैं, प्रेसिडेंट इंडिया के फर्स्ट सिटीजन है, वो यहाँ पर गए हैं, तो नो डाउट इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, ये हुआ आपके हरियाणा और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। अगेन इसी के नीचे एक न्यूज़ है कि आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को अपना पहला पुलिस कमिश्नर्स मिल गए। अभी आपने रिसेंटली में न्यूज़ देखी होगी कि कुछ इन तीन डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के इन तीन बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लाया गया। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लाने का पीछे पर्पस क्या होता है, आइए देखते हैं। ये आप तीनों डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की आप नो डाउट इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इनके जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी और हर डिस्ट्रिक्ट को एक DM मिलता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, चाहे उसकी पॉपुलेशन कितनी ही ज़्यादा हो या कितनी ही कम हो। ऐसे जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जब काम का लोड की बात करें, जब आप जनरल सिस्टम से काम करते हैं तो उसमें जो सीधे लोड आता है वो आता है आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास।
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वही आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरी का भी काम करता है। इस तरीके से काम का लोड ज़्यादा होता है और उसके वजह से यहाँ पर कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट पावर्स जो हैं वो भी आपके डीएम के पास है। ऐसे में कोई भी मैटर हुआ तो उस पर फाइनल जो मजिस्ट्रेट डिसीजन लेनी है वो आपको डीएम के पास ले जाना पड़ता है। ऐसे में कई बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस में जो टोटली जो है वो कोलैप्स देखने को मिलता है, कोलैप्स तो नहीं बोल सकते लेकिन जो एक कोऑर्डिनेशन देखने को, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि पुलिस जो एक्शन लेगी फिर उस पर फाइनल डिसीजन क्या होगा, मजिस्ट्रेट पावर जो है वो डीएम के पास है फिर वो लेंगे। ऐसे में कई बार डीएम नहीं होते, कई बार पुलिस जो है वो उनके पास नंबर ऑफ काम ज़्यादा होते हैं, इस तरीके से जो पूरा सिस्टम होता है वो इतनी एफिशिएंट नहीं हो पाता है। ऐसे में एक पुलिस कमिश्नरी सिस्टम एक अल्टरनेट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही ये चला आ रहा था। इसमें क्या करते हैं, जो मजिस्ट्रेट जो पावर होती है जो अब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास थी वो उससे छीन के आपके उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पुलिस कमिश्नर को। यानी अब तक पुलिस का अपना एक पूरा हायरार्की सिस्टम बन गया, उसमें से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो मजिस्ट्रियल पावर थी उसको हटा के पुलिस कमिश्नर को दे दिया। ऐसे में यदि पुलिस कमिश्नर को ही आप मजिस्ट्रियल पावर दे दोगे तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी क्विक होते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं जो, और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज जैसे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास काम का लोड ज़्यादा था, वहाँ पर इनके पास भी काम का लोड कम होता है, क्योंकि इनकी मजिस्ट्रियल पावर जो है वो डाइल्यूट कर दी जाती है और वो कर दी जाती है आपके पुलिस कमिश्नर को। और जब पुलिस कमिश्नर्स को मजिस्ट्रियल पावर मिलने लग जाती है, जिस डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रियल पावर जो है वो पुलिस कमिश्नर्स को मिलने लग जाती है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए बोला जाता है कि वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया गया है। यही था आपका पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, जो कि अभी रिसेंटली में यूपी स्टेट के 3 डिस्ट्रिक्ट आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में लगाया गया है। छोटे डिस्ट्रिक्ट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, उनके पास ऑलरेडी इतना काम का लोड नहीं होता है, तो ऐसे में वो मजिस्ट्रियल पावर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यानी छोटे डिस्ट्रिक्ट में जो है मजिस्ट्रियल पावर को डीएम से डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा जनरली बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में ही देखा जाता है, जैसे आपके कोलकाता में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, ऐसे बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जनरली ऐसा देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक डिवाइस आया है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, एक डिवाइस आया है जिसका नाम है आपके डोजी। एक ऐसा डिवाइस है डोजी जिससे आप जो जनरल बेड है उसको आप आईसीयू बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइस विच कैन कन्वर्ट एनी नॉर्मल बेड इनटू एन आईसीयू टू बी डिप्लॉयड इन 6 स्टेट्स। और पायलट बेसिस पर इसको लगभग 400 जो यूनिट्स हैं इस डिवाइस की वो लगभग 6 स्टेट्स में लगाई गई है, यह भी पायलट बेसिस पर है। आप अपने घर का बेड भी जो है वो आईसीयू बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दरअसल इस डिवाइस की बात करें डोजी डिवाइस की, तो ये एक आरपीएम डिवाइस है। आरपीएम डिवाइस का मतलब हो गया रिमोट पैरामीटर मॉनिटरिंग डिवाइस, इसको बोलते हैं आरपीएम डिवाइस। इसको एक प्राइवेट कंपनी है उसने बनाया है, उसका नाम है आपका टर्टल शेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है। एक स्टार्टअप था के जिसने इसको मैन्युफैक्चर करा है। अब इसके अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, स्पेशली आपने कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा आईसीयू बेड्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में इन फ्यूचर में भी ऐसी कोई बीमारी आती है जहाँ पर आईसीयू बेड्स की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो ऐसे में नॉर्मल बेड्स को आईसीयू बेड्स में कन्वर्ट करा जा सकता है एक सिंगल डिवाइस का यूज़ करते हुए। उस डिवाइस का नाम है डोजी डिवाइस, जो कि हमारा डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चर है, जहाँ हमारे ही एक स्टार्टअप कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर करा है। इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक आरपीएम डिवाइस है, रिमोट पैरामीटर मॉनिटरिंग डिवाइस है, जिसको रिमोटली मॉनिटर करा जा सकता है। इस तरीके से जो डोजी डिवाइस था उसके बारे में हमने देखा। अगेन एडिटोरियल्स में कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आपने जीएसटी काउंसिल का नाम सुना होगा, आपने जोनल काउंसिल का नाम भी सुना होगा, आपने इंटर स्टेट कमीशन का नाम भी सुना होगा, इसके अलावा भी आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा। आपने इन सब बॉडीज़ को देखोगे तो इन सब बॉडीज में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं और एक साथ मिलकर बैठकर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। जीएसटी में अपनी कुछ फंक्शनिंग है, जीएसटी एक्ट उसकी बारे में डिस्कस करते हैं, नीति आयोग में फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं,
जो ऐसे ये पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो अब नीति आयोग है, इसके अलावा जोनल काउंसिल में जो जोनल लेवल पर जितने भी डिस्कशन हैं वो करते हैं, इसमें सेंट्रल से आपके होम मिनिस्टर आते हैं, स्टेट्स के होम मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, इंटर स्टेट जो कमीशन है उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, यदि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल है तो वहाँ के गवर्नर, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट 5 से 6 मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। यानी सारे के सारे जो भी ही हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, जो बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोऑपरेशन को इंश्योर करते हैं, और यही कहलाता है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब इसके अपोजिट में बात करें तो कुछ अलग अलग वर्ड चलते हैं। इसके अलावा एक वर्ड चलता है कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, जहाँ कोऑपरेशन की जगह कॉम्पिटिशन देखने को मिले। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म नो डाउट कुछ जगह पर अपना अच्छा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अपनी इंपॉर्टेंस है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ पर रिलीवेंट होगा, जब आप एक पॉलिसी मेकिंग में हो, स्पेशली कुछ ऐसे मैटर्स में जहाँ पर आप पैन इंडिया लेवल पर एक कॉमन पॉलिसी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो हेल्थ की पॉलिसी हो या एजुकेशन की पॉलिसी हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यदि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती, तो अब यदि हर स्टेट में एजुकेशन का सिस्टम अलग अलग होता तो कैसे पैन इंडिया लेवल पर हम एजुकेशन को जस्टिफाई कर पाते, कुछ लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी, कुछ के लिए कम फैसिलिटी। जबकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की रिक्वायरमेंट भी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कई ऐसी जगह है जहां रिलेवेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट जैसे मैटर्स में, यदि इन्वेस्टमेंट जैसे मैटर्स में यदि स्टेट्स के बीच में यदि कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। जबकि कुछ ऐसे मैटर्स जहाँ पर पूर्ण इंडिया लेवल पर एक कॉमन पॉलिसी की जरूरत होती है, वहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यहाँ पर ये रिलीवेंट हो जाता है। इस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म से किस तरीके से लगता, ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट पर एक न्यूज आई है, नीति आयोग हर साल जो है वो एक इंडेक्स लाता है, एसडीजी इंडेक्स। उस एसडीजी इंडेक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, टोटल हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और उसी से रिलीवेंट ये एसडीजी इंडेक्स लाते हैं, जिसमें नीति आयोग स्टेट टू स्टेट अपना डाटा रखता है। अब इस एसडीजी इंडेक्स से ही एक टेबल निकाली है इस न्यूज़पेपर में, उसको देखते हैं। इस टेबल में ये बता रहा गया है, 3 तरीके के वेस्टेज की बात करी गई है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट, इसके अलावा जो हैजार्डियस वेस्ट होता है उसकी। अब इसमें जो नो डाउट हर किसी के लिए गवर्नमेंट ने अपना फिक्स टारगेट कर रखा है, जैसे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेसिंग के लिए 100% टारगेट है, इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अपने कुछ टारगेट है उसके ट्रीटमेंट के लिए, हैजार्डियस वेस्ट को के जो जनरेट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने टारगेट है 100%। अब उसमें हर स्टेट का कितना क्या पोजीशन है ये निकाला है एसडीजी इंडेक्स में, जो टेबल शो होती थी उसमें स्टेट टू स्टेट डाटा दे रखा है। इस तरीके से 3 तरीके के वेस्टेज की इसमें पोजीशन दिखाई गई है, स्टेट टू स्टेट पोजीशन दिखाई गई है कि कितना परसेंट आपका वो वेस्ट है, वो प्रोसेस हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सारी बातें। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो हर तरीके के वेस्ट मैनेजमेंट की अलग अलग पॉलिसी होती है। बायोमेडिकल वेस्ट, हैजार्डियस वेस्ट का ट्रीटमेंट आप म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से नहीं कर सकते। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है जो आपके घरों से कचरा निकलता है, उसको तो आप लैंडफिल में भी डाल सकते हो, सीधे जहाँ जो खाली जमीन पड़ी है, बंजर जमीन है, वहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट और हैजार्डियस वेस्ट है, उसको आप ऐसे खुले में लैंडफिल के थ्रू नहीं डाल सकते। यानी हर इसी तरीके से प्लास्टिक है, उसको आप खुले में नहीं डाल सकते। इस तरीके से हर वेस्ट की मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, जो टेक्निक है, वो अलग अलग होती है। लेकिन एक कॉमन बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, यदि आपसे कोई सॉल्यूशन पूछे तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक फॉर्मूला चलता है, या आपसे पूछ भी देगा कि 3R पॉलिसी का रिलेशन किससे है। 3R पॉलिसी है क्या? दरअसल 3R पॉलिसी नहीं पूछे तो ये पूछ देगा 3R साइकिल न्यूज में रहती है, 3R साइकिल का रिलेशन किससे है। 3R में 3 कौन से R है? दरअसल एक होता है 3R साइकिल में रिड्यूस, एक होता है आपके रिसाइकल, एंड थर्ड रियूज। इस तरीके से पहला रिड्यूस, आप वेस्ट का जो वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसे कम जनरेट करें, रिड्यूस, और जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे रिसाइकल करें, और रिसाइकल के बाद रीयूज करें। यानी 3R साइकिल का रिलेशन किससे है? तो 3R साइकिल का रिलेशन वो है आपके वेस्ट मैनेजमेंट से है। वेस्ट मैनेजमेंट का जो रिलेशन है वो आपके 3R साइकिल से सीधे सीधे जुड़ता है, जिसमें एक तो है आपका रिड्यूस, और जो रिड्यूस उसके बाद भी यदि कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसे रिसाइकल करें, देन उसका यूज करें। तो ये था आपका 3R साइकिल, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट का एक कोर कंसेप्ट है।
इस तरीके से हर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तरीके के हैं। इसमें दिल्ली की स्पेसिफिक बातें करी गई है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की क्या पोजीशन है, बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट भी आपका कई तरीके का होता है। यदि आपसे नो डाउट किसी इंटरव्यू में बैठे हैं आपसे पूछ दें कि टाइप्स ऑफ वेस्ट बताएं, तो टाइप्स ऑफ वेस्ट बताने में आपको यदि सोचना पड़ रहा है तो आपकी ये तैयारी पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। वेस्ट कई तरीके से हो सकता है आपका, एक होता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, एक होता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट, एक होता है आपका हेजार्डियस वेस्ट, इसी में आप बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जिनसे रेडियो एक्टिव रेज निकलती है वो वाले वेस्ट। इसके अलावा एक होता है आपका प्लास्टिक वेस्ट, एक होता है आपका ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनसे जो जनरेट होता है वो आपका ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इस तरीके से कई सारे वेस्ट हो सकते हैं आपके। इसके अलावा एक होता है आपका जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से निकलता है, हालांकि इसको म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में भी रख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। इस तरीके से आपसे किसी इंटरव्यू में यदि पूछ दे और यदि आप 5 नाम भी नहीं बता पा रहे हैं तो इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टाइप ऑफ वेस्ट आपको पता होने चाहिए। नो डाउट हर वेस्ट के मैनेजमेंट की टेक्निक अलग अलग होगी ही, लेकिन उसके लिए जो कोर प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो आप 3R साइकिल का यूज़ करते हैं। आपसे पूछ दे 3R साइकिल क्या है तो ध्यान रखिएगा। अभी जो मस्जिद में एंट्री को लेकर एक डाउट चल रहा है, हमने कल ही आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज फिर दूसरे तरीके से न्यूज में आया है अब आर्टिकल 25, जो कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। इसके अलावा हम बात करें, एक कॉन्ट्रावर्सी जो क्रिएट हुई ये हुई कि लास्ट वीक ये हुआ कि जामा मस्जिद जो है दिल्ली में, होने को तो एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस की तरह इसको ट्रीट करा जाता है, लेकिन वहाँ पर जो यदि कोई सिंगल वोमेन है या फिर कोई वोमेंस का ग्रुप है, आप किसी मैन के साथ जाएं तो अलाउ है, लेकिन आप सिंगल कोई लेडी जाती है या कोई कुछ लेडीज जो हैं या वोमेन जो है वो ग्रुप में जाती हैं तो उनकी एंट्री को प्रोहिबिट कर दिया गया, उनकी एंट्री अलाउ नहीं थी। इसके बाद से ही डिमांड उठने लगी कि क्या ऐसा कौन सा रूल है जो वोमेंस को या सिंगल वोमेन या वोमेंस के ग्रुप को मस्जिद में एंट्री से प्रोहिबिट करता है, रोकता है। आप भले ही हाजी अली दरगाह केस की बात करें तो हाजी अली दरगाह केस में खुद कोर्ट कुछ बोल चुका है, खुद हाईकोर्ट ने बोला था हाजी अली दरगाह केस में कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 25 जो हैं वो सीधे सीधे वॉयलेशन है। यदि आप किसी लेडी को मस्जिद में जाने से रोकते हैं तो ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 25 का को वॉयलेट करता है। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो हैं वो हमारे राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। स्पेशली आर्टिकल 15 में तो सीधे सीधे बोला है कि रिलीजियस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14। इसी तरीके से आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू जिसमें आपके फ्रीडम ऑफ कंसाइन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, इस सब की बात करी गई है। इसमें कहीं भी एंट्री को प्रोहिबिट की बात नहीं करी गई, ना ही राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में ये बोला गया कि आप, ये केवल एक पर्टिकुलर क्लास के लिए है कि मेंस के लिए, वोमेंस के लिए नहीं है। इस तरीके से ये हाजी अली दरगाह केस की बात करें तो इसमें सीधे सीधे बोला गया था कि आप यदि किसी लेडी को या किसी औरत को यदि दरगाह में या किसी मस्जिद में एंट्री से रोकते हैं तो ये सीधे सीधे इन 3 आर्टिकल्स को वायलेट करता है, और इसमें आर्टिकल 14 भी जोड़ सकते हो क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी सभी बेसिस पे बात करते हैं, चाहे वो जेंडर बेसिस पे इक्वलिटी हो या सेक्स बेसिस पे इक्वलिटी हो। इस तरीके से हाजी अली दरगाह केस में को हमने जो अभी जामा मस्जिद कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट हुई है उससे जोड़ के देखा। आगे बढ़ते हैं, अगेन कुछ इलेक्शंस की न्यूज़ है। शिवसेना के में एक कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट हुई थी, उसके 2 टुकड़े हो गए थे, फिर इलेक्शन कमीशन ने दोनों को अलग अलग सिंबल, अलग अलग नाम अलॉट कर दिया गया था, वो सारी बातें। अब उनसे इनका अपना डिस्प्यूट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि शिवसेना का जो डिस्प्यूट है, अब किसी ग्रुप ने कुछ डिस्प्यूट है तो उस पर पिटिशंस लगा दी इलेक्शन कमीशन के सामने। अब क्या होता है देखते हैं, ऐसे चलता रहता है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ इधर इसी के साइड में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी हमने देखा था कि जो 20 हाईकोर्ट्स के जजेस हैं उनके जो नाम को है वो यूनियन
यूनियन गवर्नमेंट ने, स्पेशली हमारे जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने वापस लौटा दिया था हमारे जो कोलिजन सिस्टम है उसने। दरअसल कोलिजन सिस्टम ने जो 20 नाम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ मिनिस्ट्री को भेजे थे वो उन्होंने वापस रिकंसिडर करने के लिए लौटा दिए। ऐसे में अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ जजेज हैं स्पेशली हाईकोर्ट में वो काफ़ी कम हैं। ऐसे में अब अपॉइंटमेंट तो डिले होगा, ऐसे में जो 8% जबकि जजेस की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट के जो 2 लॉयर्स थे उनको एडिशनल जजेस बना दिया है। दरअसल ये एडिशनल जज हैं क्या और ये जो नॉर्मल जज होते हैं उनसे कैसे अलग हैं? एडिशनल जज नॉर्मल जज से इसी तरीके से अलग हैं कि एडिशनल जज हैं वो टेम्प्ररी है, जबकि नॉर्मल जज जब तक इनका रिटायरमेंट या इनका प्रमोशन नहीं हो जाता या किसी ये अपना रिजाइन नहीं कर देते तब तक वो फिक्स है। तो ये एडिशनल जज बोले तो ये टेम्प्ररी जज इनको बोल सकते हैं, टेम्प्ररी जज मतलब यानी। और ऐसा नहीं है कि ये एडिशनल जज हैं तो किसी को भी उठा के इसका जज बना दिया गया। यदि आप हाई कोर्ट के में एडिशनल जज की बात करें तो हाई कोर्ट में किसी को एडिशनल जज बना रहे हैं तो उसको वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी जो एक हाई कोर्ट के जज नॉर्मल जज बनने के लिए रिक्वायर होती है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यदि किसी जज को किसी एडिशनल जज की का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो केवल वही पर्सन उसका एडिशनल जज बन सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है। जबकि ये सारी बातें मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, आर्टिकल जो है 127 जो है और एक है आपका आर्टिकल 224। आर्टिकल 127 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जजेस की बात करता है, जबकि आर्टिकल 224 जो है वो हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की बात करता है। एक सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जजेस की जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो आर्टिकल 127 के अकॉर्डिंग होगा, जबकि आर्टिकल 224 जो है वो हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के अपॉइंटमेंट को शो करता है या इसकी रिलीवेंस को शो करता है, इस यहाँ से इसका ओरिजिन है। इस तरीके से एडिशनल जज कौन बन सकता है, क्या कोई भी बन सकता है? तो नहीं, उसके लिए वही एलिजिबिलिटी चाहिए जो कि एक नॉर्मल जज बनने के लिए चाहिए। अब इतना ध्यान रखेगा कि हाल ही में 2 नए एडिशनल जजेस हैं जो हैं वो किस हाई कोर्ट में अपॉइंट करे गए, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपॉइंट करे गए। इसके अलावा आर्टिकल 127 और आर्टिकल 224 ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगेन कुछ गुजरात इलेक्शंस हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए तो नहीं है। एक बार इलेक्शन हो जाए तो फिर देखना होगा कि क्या रिजल्ट आते हैं, इसमें कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है कि टोटल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बनती है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आर्टिकल 163-164 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। NIA है क्रैक डाउन ऑन टेरर सिंथेटिक कंडीशंस। लगभग NIA ने अभी 13 नई जगहों पर छापे डाले हैं और ये सारी इम्पोर्टेंट न्यूज ये नहीं है कि NIA ने 13 जगह पे छापे डाले कि 15 जगह पे लोकेशंस पे इन्होंने छापा डाला है, सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। दरअसल NIA है क्या, मैं लगातार डिस्कस करता हूँ कि NIA को आपको ये चीज़ में कंफ्यूज हो सकता है कि NIA की फंक्शनिंग क्या है, ED की फंक्शनिंग क्या है, RO की फंक्शनिंग क्या है, IB की फंक्शनिंग क्या है, CBI की फंक्शनिंग क्या है, CVC की फंक्शनिंग क्या है। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को जब पॉलिटी में पढ़ते हैं तो आप केवल उनका स्ट्रक्चर देख के ही आगे नहीं बढ़ जाइए, केवल उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन देख के ही आगे नहीं बढ़ जाइए, जबकि आजकल जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इनकी फंक्शनिंग पर भी बन सकते हैं। आपसे मैं सीधे पूछ लूँ कि टेररिज्म रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनसे डील करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इनसे डील करती है, क्या NIA है, क्या CBI है, कि ED है? यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपने ये सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम तो सुना होगा, ये सारी बॉडीज को आपने सुना होगा, लेकिन यदि मैं सीधा पूछ लेता आपसे टेररिज्म एक्टिविटीज से डील कौन सा बॉडी करता है, कि NIA, CBI, ED करता है, कि CVC करता है, कि नन ऑफ दिस करता है, तो आपके लिए कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा। तो NIA का जो स्पेसिफिक काम है वो है कि हमारे कंट्री में जितनी भी टेररिज्म जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उनसे डील करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन देखें तो जब हमारे यहाँ पर 26/11 का अटैक हुआ था 2008 में मुंबई में, तो उसके बाद एक ऐसी ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो 26/11 जैसे जो टेररिज्म केसेस हैं वो रिपीट ना हो, टेररिज्म रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनसे डील करने के लिए एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एक होनी चाहिए। दरअसल 26/11 में एक लूपहोल ये देखने को मिला था कि कई सारे जो
ग्रुप्स थे, कई सारी जो बॉडीज थी उस टाइम पे एग्जिस्ट करने वाली, उनके बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। ऐसे में टेररिज्म जो कि एक सीरियस थ्रेट है, अभी भी थ्रेट है हमारे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ऐसे में उससे डील करने के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी है तो मतलब किसी न किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में तो जगह नहीं है लेकिन किसी एक्ट के थ्रू तो इसको बनाया गया है, वो तो ही तो ये स्टेचुटरी बॉडी है। और इसको बनाया गया था आपके NIA एक्ट 2008 में, तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है लेकिन एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि NIA एक्ट 2008 में इसको के थ्रू इसको बनाया गया, यानी 2008 में ये बनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या है, ये टेररिज्म रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनसे डील करता है। जबकि आपसे ये पूछ देगा कि NIA का रिलेशन किस मिनिस्ट्री से है, तो ये भी पूछ देगा, तो ये जो है वो होम मिनिस्ट्री से के अंडर काम करती है। अभी मैंने चार ऑर्गेनाइजेशन लिखी थी, उसमें मैं आपसे पूछ दूं कि ईडी किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीआई जो है वो आपके होम मिनिस्ट्री, इसके अलावा आपके NIA जो है आपके होम मिनिस्ट्री, इस तरीके से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। NIA चूंकि न्यूज़ में है तो NIA जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, इतना ध्यान रखिएगा। अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ रिपीट हो रही है, कभी तेलंगाना की, कभी राहुल गांधी की, आपकी भारत जोड़ो यात्रा की, ये सारी बातें। नीति आयोग प्रपोज डी कार्बोनाइजिंग वीक ऑफ इंडस्ट्रियल इमिशन, कल ही हमने लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल पढ़ा था, और उसके पहले भी मैंने आपको जो हमारे जो टारगेट्स हैं उनके बारे में बताया था कि हमें जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है वो कम करना है, 40% तक उसको कम करना है, हमारा जो टारगेट है वो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो था NDCs के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस करा था। अब उन NDCs जो हैं जो ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें, इसमें हमारे जो नेशनल टारगेट्स हैं जिन्हें NDCs कहते हैं, अब उनसे डील करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं, उसी पर एक अपडेट आया है कि नीति आयोग अब ये बोल रहा है कि किस तरीके से जो हमारा जो इंडस्ट्रियल इमिशंस है स्पेशली कौन किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का, तो ग्रीन हाउस गैसेस में जो इमिशन है उसको किस तरीके से डीकार्बोनाइज करा जाए। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रियल इमिशंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको किस तरीके से घटाया जाए। अब घटाने के दो तीन तरीके हैं, एक होता है आपका प्री कम्बशन मेथड या प्री कम्बशन कैप्चर, एक होता है आपका पोस्ट कम्बशन कैप्चर, एक होगा आपका ऑक्सी फ्यूल कम्बशन। इस तरीके से तीन चार मेथड होते हैं। प्री कम्बशन में तो यही होता है कि आप जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होगा उसको रिलीज होने से पहले ही सेपरेट कर लेते हैं, इसमें कई सारे मेथड होते हैं। इसी तरीके से पोस्ट कम्बशन में भी कई सारे मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जियोलॉजिकल मेथड है आपका। जियोलॉजिकल मेथड में क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हुआ इंडस्ट्री से उसे स्टोर करके सीधे अर्थ के अंडर डाल दिया जाए जियोलॉजिकल मेथड में, जिसमें अर्थ की जो लेयर है इनसाइड ऑफ द अर्थ उसे इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, उसमें पाइप्स के थ्रू उसमें डाल दिया जाए ताकि जो एनवायरनमेंट में जो ओपन एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस को डाइल्यूट कर दिया जाए ओपन एनवायरनमेंट से इनसाइड ऑफ अर्थ में। इसके अलावा ऑक्सी फ्यूल कम्बशन में आपके जो है वो प्योर ऑक्सीजन में आपके के साथ इसका रिएक्शन करा के इस तरीके से इसको इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करा जाता है। इस तरीके से कई सारे मेथड होते हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट में इसके अलावा कई सारे बैक्टीरियाज का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी इंडस्ट्रियल इमिशन है उसको डीकार्बोनाइज करने के लिए अभी इन्होंने कुछ स्ट्रेटजी रखी है। अब ये किन किन मेथड्स को आगे करते हैं, किन मेथड्स को प्रमोट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। जो CCUS है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज में कौन कौन सी टेक्निक को नीति आयोग प्रमोट करता है इंडस्ट्री लेवल पर वो देखते हैं। अभी एक न्यूज़ वापस मनरेगा पे आई है, हर सप्ताह इसकी मनरेगा की न्यूज़ आती है, अब इनके बीच में चलता रहता है। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि इतना पैसा वापस करो, इतना पैसे को लेकर इनके बीच में कॉन्ट्रावर्सी चलती रहती है, लेकिन क्या है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनरेगा। अगेन रिपीट करते हैं, रिवाइज करने का टाइम है 2005 की एक स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्कीम है, यानी केवल गाँव इलाके में ही चलती होगी। यस, रूरल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए एक स्कीम है जिसमें आपको 100 डेज का पर एम्प्लॉयमेंट एक फैमिली के लेवल पर प्रोवाइड करा जाता है, यानी एक फैमिली के लेवल पर एक पर्सन को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाता है। ये टेम्प्ररी लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को टेम्प्ररी लेवल पर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक स्कीम थी रूरल एम्प्लॉयमेंट,
जिसमें आपसे कई तरीके के काम कराए जा सकते हैं, चाहे वो गड्ढे खुदाना, गड्ढे तालाब बनाना, तालाब खुदवाना, इस तरीके से जो भी काम है वो करवाए जाते हैं। लेकिन मनरेगा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, रूरल इलाके में ही इम्प्लीमेंट होती है, जिसमें जो गांव के जो लोग हैं, जो भी एडल्ट पर्सन हैं, उनको 100 डेज का एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है टेम्प्ररी बेसिस पर। यह कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है जिसमें 365 दिन आपको एम्प्लॉयमेंट मिले। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड पेज पे अगेन चीज़ें रिपीट हो रही है। चाइना में जो एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ है चाइना के लोगों का एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट और एक तरफ है चाइना की गवर्नमेंट का जो जीरो कोविड पॉलिसी। अब इसमें कॉन्ट्रावर्सी चल रही है, स्पेशली चाइना जैसे कम्युनिस्ट स्टेट्स में इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अब देखने को मिला है और ये कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ डेमोक्रेसी को शो करता है कि लोगों की इच्छा के अगेंस्ट उनसे उनको लॉकडाउन में रखा जा रहा है। तो ये एक लैक ऑफ डेमोक्रेसी को का एक एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस पेज पे देखें तो बिजनेस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। वो आई है, एक आपका पैनल आया है, पैनल आपसे यदि मैं पूछूं किरीट पारिक पैनल का रिलेशन किससे है, तो किरीट पारिक पैनल का रिलेशन है वो है आपके गैस प्राइस रिव्यू पैनल है। ये है आपका गैस प्राइस रिव्यू पैनल, यदि यानी किरीट पारिक जो पैनल है वो आपका गैस प्राइस रिव्यू पैनल है, यानी जो हमारे जो नेचुरल गैसेस के जो प्राइस है उनकी क्या सीलिंग प्राइस होगी, उनकी करंट प्राइस क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, सीलिंग प्राइस क्या होगी, ये सब डिसाइड जो करता है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल अपॉइंट कर रखा है किरीट पारिक है उनकी चेयरमैनशिप में, और इसी को बोला जाता है गैस प्राइस रिव्यू पैनल। तो आपसे पूछ देगा किरीट पारिक पैनल का रिलेशन किससे है, तो वो आपके गैस प्राइसेस को रिव्यू करने से रिलेटेड है। एनके सिंह पे एक न्यूज आई है, एनके सिंह ने ये बोला है कि हेल्थ सेक्टर्स में कुछ यूनिवर्सल हेल्थ कवर के बारे में कुछ हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव करा जाए इस तरीके से। दरअसल ये हेल्थ कंडीशंस पे बोल क्यों रहे हैं, दरअसल हेल्थ के बारे में ध्यान रखेगा, हेल्थ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन करंट लिस्ट में है, 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। इसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें एक हेल्थ है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो यहाँ कुछ चीज़ों का जिक्र हुआ है, 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है एनके सिंह, एक क्वेश्चन तो यही हो गया एनके सिंह कौन है या 15 जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है। दरअसल पहले तो हम फाइनेंस कमीशन को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है हर 5 साल पर या फिर जरूरत पड़ने पर एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, जो कि रिसोर्सेज का सेंटर और स्टेट के बीच में और स्टेट और स्टेट्स के बीच में रिसोर्सेज को उनको डाइवर्ट करेगा या बांटने का काम करेगा। यानी हर 5 साल पर एक फाइनेंस कमीशन बनता होगा, यानी 1952 में पहला फाइनेंस कमीशन बना था केसी नियोगी की चेयरमैनशिप में, और अभी बात करें 1952 से 57 के बीच में, अभी 2020 से लेकर 2025 तक एक फाइनेंस कमीशन बना है, ये आपका हो गया 15th नंबर का, जिसके चेयरमैन है आपके एनके सिंह। अभी जो फाइनेंस कमीशन है वो है 2020 से 2025 15th नंबर का, जिसके चेयरमैन एनके सिंह है, जबकि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसके जो हेड थे वो थे आपके केसी नियोगी, जो कि 1952 से 1957 तक ये चेयरमैन थे। अब आगे बात करें तो इनका काम क्या है, तो मैंने कहा अभी रिसोर्सेज को किस तरीके से डाइल्यूट करा जाए सेंटर और स्टेट के बीच में और स्टेट और स्टेट के बीच में, यानी जब सेंटर और स्टेट के बीच में रिसोर्सेज का जब बंटवारा होता है तो उसको बोला जाता है, एक हो गया सेंट्रल लेवल और एक हो गया स्टेट लेवल। रिसोर्स कौन से, क्या कोल माइनिंग कौन लेगा, ये सब नहीं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जैसे जो टैक्स है, टैक्स का कलेक्शन हुआ, इसके अलावा जो भी कलेक्शन हुआ सेंट्रल स्टेट लेवल पर, अब कुछ डिविडेंड जो शेयर है वो स्टेट का है, कुछ सेंट्रल का है, जो पोर्शन जो सेंट्रल और सारे जितने भी 28 स्टेट्स हैं उनके बीच में जो बढ़ता है उसको बोला जाता है आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज। जबकि अब सेंट्रल के एक शेयर मिल गया आपका सेंटर को और एक मिल गया आपका 28 स्टेट्स को, ये तो हो गया आपका वर्टिकल डिवीजन। ये जब वर्टिकल डिवीजन हो जाता है तो इसमें जो 28 स्टेट्स को जितना भी शेयर मिलता है उनका अब 28 स्टेट्स के बीच में इसका बंटवारा होता है, तो ये बोला जाता है आपका
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सेंट्रल का अलग कर दिया जाता है और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनका एक साथ अलग कर लिया जाता है। जब एक साथ अलग कर लिया तो अब सब स्टेट्स को अलग अलग रिसोर्स डाइल्यूट करते हैं, तो फिर वो हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल पर, क्योंकि सारे स्टेट को एक लेवल पर मानते हैं और इसमें अलग अलग पॉलिसी होती है, जैसे उनकी नेशनल, उनकी स्टेट्स की इनकम कितनी है, इनकम डिस्टेंस कितनी है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, स्टेटस कितना है, इस तरीके से एक फॉर्मूला बनाते हैं। और ये कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है, फाइनेंस कमीशन टू फाइनेंस कमीशन वेरी करता है, हर फाइनेंस कमीशन अपना अपना फॉर्मूला लेता है। जैसे इस बार एनके सिंह ने जो फॉर्मूला लिया वो पॉपुलेशन लिया और पॉपुलेशन डिविडेंड भी लिया, यानी 1971 की पॉपुलेशन भी ली, 2011 की पॉपुलेशन भी ली। इस तरीके से हर फाइनेंस कमीशन का अपना फॉर्मूला होता है, अलग अलग फॉर्मूला होता है, और ये जो फाइनेंस कमीशन है उस जो भी रिकमेंडेशन देता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो फिर माननी पड़ती है। दरअसल जो भी फाइनेंस कमीशन की जो भी रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखाता है, और ऐसा एक ट्रेडिशनली एक परंपरा चली आ रही है, एक ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि जो भी फाइनेंस कमीशन बोलता है उसको एड टू जेड वैसा का वैसा ही मान लिया जाता है, वैसा पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है। एक पर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो भी फाइनेंस कमीशन जो भी रिपोर्ट रखता है प्रेसिडेंट के थ्रू उसमें चेंजेस कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। तो इस तरीके से फाइनेंस कमीशन जिसका रिलेशन आर्टिकल 280 से था ये पूरा हमने देखा। इस तरीके से बिंदी स्पेस की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आज हमने देखी। लास्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो हमारा स्टील इम्पोर्ट है, स्टील में भी कौन सा जो फिनिश्ड स्टील इम्पोर्ट है वो रशिया से, वो हमारे जो इस फाइनेंशियल ईयर में के जो अभी जो 7 से 8 महीने निकले हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पर चल रहा है। यानी जो अब पिछले, यानी ये तो कंफर्म है कि हम स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं और अभी हमारा स्टील इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया है। यानी इंडिया जो है टोटली बात करें तो स्टील का एक इंपोर्ट कंट्री है, ना कि एक एक्सपोर्ट कंट्री है। तो इस तरीके से छोटी छोटी न्यूज़ थी। अब आने वाले टाइम में वापस चेंज हो जाएगा, नवंबर चल रहा है, नवंबर से बाकी में अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इसमें जो डाटा दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है अप्रैल से अक्टूबर, जबकि हम बात करते हैं डाटा पूरे फाइनेंशियल ईयर का, यानी अप्रैल से लेकर टोटल अगले साल का जो मार्च आएगा वहाँ तक का। इस तरीके इसलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, चाहे वो किरित पारिक पैनल हो, चाहे वो आपका एनके सिंह हो, चाहे वो एडिशनल जजेस हो, इसके अलावा कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसमें कॉन्ट्रावर्शियल न्यूज़ थी, चाहे वो स्ट्रेंथ को डबल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ को बढ़ाने और उनसे पेंडेंसी रेशियो किस तरीके से अफेक्ट करेगा ये वाली न्यूज़ हो, चाहे वो वोमेंस के मस्जिद में एंट्री वाली न्यूज़ हो, जो भी कॉन्ट्रावर्शियल न्यूज़ से लेकर हमने हमारे कंसेप्ट से जोड़ के देखा, चाहे वो एडिशनल जज वाली हो या जजेस नंबर ऑफ जजेस से जोड़ के देखा, कौन से आर्टिकल है जो हमारी जो वोमेंस की मस्जिद में एंट्री वाली थी उसको हमने हाजी अली दरगाह केस से जोड़ के देखा, आर्टिकल 15-16 और आर्टिकल 25, ये सारे हमने डिस्कस करे। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस करी। थैंक यू।